हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड शेपर एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को बड़े ही इजीली 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ट्रिक को। तो सबसे पहले हम एक टू डिजिट नंबर लेते हैं, लेट अस से 23 × 11। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली डिजिट है, सबसे पहली डिजिट क्या है, 3, उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, राइट। उसके बाद 3 में ऐड कर देंगे हम 2 को, जो उससे पहले वाली डिजिट है। तो जब 3 में 2 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 5, तो हम इसके बाद 5 लिख देंगे। और उसके बाद जो डिजिट बच गई तो हमारे पास क्या बची, 2, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो इसका आंसर आ गया 23 × 11 = 253। ओके, चलिए अब एक दूसरा नंबर लेते हैं, लेट अस से सेकंड नंबर है 69 × 11। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा रूल सेम है, जो भी हमारी फर्स्ट डिजिट का नंबर जो है, विच इज 9, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 में हम 6 को ऐड करेंगे। तो जब 9 में 6 को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 15, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 15। तो 15 में से जो हमारा 5 है उसको हम यहाँ लिख देंगे, और 1 हमारा हो जाएगा कैरी, जिसको हम 6 में ऐड करेंगे, और 6 में 1 ऐड करने के बाद जो भी आता है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारा 69 × 11 आ गया 759। अब एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, लेट अस से 242 × 11। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन द रूल इज सेम, सबसे पहले हम जो लास्ट डिजिट हमारी है विच इज 2, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद इसमें हम पिछले वाली डिजिट को ऐड करेंगे, तो 2 में जो 4 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 6। ओके, उसके बाद हम इससे पिछले वाली डिजिट में 4 को ऐड करेंगे, तो 4 + 2 अगेन मिलेगा 6। और उसके बाद जो लास्ट डिजिट बची हमारी उसको लिख देंगे, तो ये आ गया इसका आंसर 242 × 11। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 3 डिजिट नंबर का, सो लेट अस से 695 × 11। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन जो हमारी फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 में 9 को ऐड करेंगे। तो जब 5 में 9 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 14। तो 14 का जो 4 है वो तो हम यहां लिख देंगे, और हमारा जो 1 होगा वो हो जाएगा कैरी, तो कैरी को हम 9 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 9 + 1 हो गया 10, तो ये डिजिट हो गई 10, और 10 + 6 = 16, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 9 + 6, दैट इज 16। तो 16 का 6 यहां आ जाएगा और बचा कैरी 1, और 1 को हम 6 में ऐड करके यहां लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 7645, विच इज आवर आंसर। अब हम लेते हैं एक 4 डिजिट नंबर, ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर लेते हैं, लेट अस से 3643 × 11, राइट। तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट डिजिट नंबर है, जो फर्स्ट हमारी डिजिट है, उसको हम एज इट इज लिख देंगे 3। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम पिछले वाली डिजिट को ऐड करेंगे, तो 3 + 4 कितना आ गया, 7। उसके बाद हम इसमें पिछले वाली डिजिट को ऐड करेंगे, तो ये कितना आ गया, 4 + 6 = 10। तो 10 का 0 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 + 6 = 7 + 3 = 10, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा 10 आ गया, तो 10 का 0 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 3 = 4, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक, जिसमें हमने देखा कि किसी भी नंबर को, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसको हम 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बड़े ही इजीली, बिना कोई बड़ी कैलकुलेशन किए हुए। सो हम सीधा ही रिजल्ट लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने नियर्स एंड डियर्स को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप अपने मैथमेटिकल स्किल्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो, एंड सी यू अगेन सून। बाय बाय।